नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सबका मेरे YouTube चैनल मैं और मेरी दुनिया में स्वागत है। आज मैं आपके साथ दलिये की खीर बनाने जा रही हूँ, जो बहुत ही स्वादिष्ट होती है। उससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन जरूर क्लिक करें, ताकि जो भी वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक तो बनता ही है। यहाँ दलिये के खीर के लिए मैंने 1/4 कटोरी दलिया लिया है। साथ में ले रहे हैं 500 ml दूध, 2 tablespoons मिश्री और 1 tablespoon घी, और इसके साथ इलायची पाउडर और केसर के कुछ धागे, साथ में बादाम और काजू। और बादाम और काजू का मैंने पाउडर बना दिया था, दरदरा सा पेस्ट बना लिया था, और साथ में कुछ बादाम और काजू को मैंने बारीक काट लिया था। दलिये को मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, और अब हमारा 1 घंटा हो चुका है। तो अब इस दलिये को मैंने एक छन्नी में डाल के इसका पानी जो है सारा निकाल दिया है, और थोड़ा बहुत पानी मेरे को लग रहा है तो उसको ये चम्मच की सहायता से मैं दबा दबा के निकाल रही हूँ। तो पानी में भिगोने से जो दलिया है ये सॉफ्ट हो जाता है। और ध्यान रहे, मैंने यहाँ बारीक वाला दलिया लिया है, और अब मैंने गैस ऑन करके उसमें एक पैन रख दिया है, और इस पैन में मैं 1 tablespoon देसी घी डाल रही हूँ। और इसको गर्म हो जाए देसी घी, तब हमने जो दलिया हमने जो पानी निकाल के जो ठंडी में रखा था ना, वो डाल के इसको हम भूनेंगे। तो दलिये को अब घी में अच्छे से भूनेंगे। 2-3 मिनट लगेंगे आपको इसको अच्छा भूनने में। ध्यान रहे, मैंने जो इस दलिया इस्तेमाल किया है वो बारीक वाला दलिया है, मोटा वाला दलिया नहीं लिया है। दलिया तो सभी बनाते हैं घर पर ये दलिये की खीर थोड़ी ट्विस्ट के साथ है, बहुत टेस्टी होती है। तो आप लोग जरूर बनाएं, और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। तो आप इसको अच्छी तरह से भून लें। ये देखिए कितना बढ़िया भून रहा है, और घी में भूने, घी देसी घी में एक स्वाद अलग आता है। और ये देखिए फर्स्ट क्लास, आप इसको भून लें। और देखिए मैंने नॉनस्टिक पैन में लिया है, इसलिए इतना अगर आप बीच में मैं नहीं चलाऊं तो भी चलता है, पर अगर आप सिंपल कढ़ाई में इसको सेक रहे हैं तो इसको चलाते रहे, नहीं तो ये जलने के चांसेस होते हैं। दलिया जो है डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर होता है, और ये आपके पेट को काफी टाइम तक जो है फुल रहता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल होती है ना उसको कंट्रोल करता है, आपकी जो स्किन है उसको हेल्दी करता है। और वैसे भी दलिया जो है फुल ऑफ विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होता है, तो देखिए ना कितनी सारी प्रॉपर्टीज है इसमें। तो ये हमारा दलिया भी सीख रहा है, और साथ में मैं आपको प्रॉपर्टीज भी बता रही हूँ कि दलिया हमको क्यों खाना चाहिए। बहुत ही पौष्टिक होता है, और वैसे भी दलिया अगर आपने नाश्ता में खा लिया तो सारा दिन आपका पेट जो है लंच तक भरा रहेगा, और जो डाइट कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि आपने सुबह सुबह अच्छे से, आप घी में मत सेकें, उस समय रोस्ट, सूखा रोस्ट करते हैं, ड्राई रोस्ट करके और फिर खीर बना लें और उसको खाएं, तो इससे क्या होगा कि आपका पेट भरा भरा रहेगा। यहाँ मैंने, अब हमारा दलिया रोस्ट हो चुका था तो अब मैंने यहाँ 500 ml दूध डाल दिया। दूध आप चाहो तो आप वैसा वाला भी फुल फैट भी डाल, जैसे फुल फैट मिल्क डाला है मैंने, आप चाहो तो स्किम्ड मिल्क भी डाल सकते हो, और आप, आपके पास नॉर्मल मिल्क है जो फुल फैट वाला, तो उसमें से मलाई हटा के और फिर डाल दें। अगर कोई डाइट कर रहा है और वो नहीं चाहता कि दूध वाला गरिष्ठ दूध डालें, तो उसमें आप मलाई हटा के डाल दें। और अब हम इसमें दलिये को इस दूध में पकाएंगे, तो अब इसको 3 से 4 मिनट हम इसमें पकाएंगे, जब तक कि हमारा दलिया जो है बहुत अच्छे से पक नहीं जाता है, रोस्ट हो चुका है। अब मैंने यहाँ केसर के धागे भी डाल दी है, तो केसर के धागे डालने से इसमें केसर का रंग आएगा, प्लस टेस्ट में भी फर्क आएगा। तो ये देखिए हमारा दलिया तैयार हो रहा है। इससे पहले, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया तो कोई बात नहीं किया है तो जरूर करें। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है, और इस पैन में मैंने काजू डाल दी है, और साथ में मैं ले रही हूँ इसमें बादाम। तो आप जो है, मैंने यहाँ एक छोटी कटोरी काजू और छोटी कटोरी बादाम ले लिया है, छोटी सी कटोरी थी उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। और मैं यहाँ इनको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, बेसिकली जो बादाम और काजू है ना इनको बिना घी के रोस्ट कर रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो डालें, अगर स्किप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, पर इनको जो बादाम और काजू डालने से भी इसमें जो खीर बनेगी वो एकदम डिफरेंट और बहुत टेस्टी बनती है। तो
तो इसलिए जरूर डालें। और इनको आप चाहे तो पिस्ते भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो चिरौंजी मेवा भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ काजू बादाम डाल रही हूँ और ये हमारे रोस्ट कर लिए थे, और ठंडे होने के बाद मैं इसको मिक्सी के जार में डाल रही हूँ। और बेसिकली हम क्या मैंने क्या किया है, इसमें जो काजू और बादाम है उसका दरदरा पाउडर तैयार कर दिया है। तो इस दरदरा पाउडर से क्या होता है कि ये जब हम खीर में डालेंगे ना तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। उसका जो काजू और बादाम के जो पीसेस हल्के हल्के से पीसेस मुंह में आएंगे तो उसे एक स्वाद ही अलग होगा। अब हम इसमें दलिये को जो हमने पका रहे हैं ना, इसमें क्या है, दलियों को हमने सेक लिया था, अब इसमें डाल के इसको सॉफ्ट होने तक, गल जाने तक इसको कुक करेंगे। तो इसको हम पकने छोड़ देते हैं। और जैसे मैं आपको बोल रही थी कि अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, तो मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और मेरे अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक तो बनता ही है, तो लाइक भी करें। आपका फुल सपोर्ट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को पसंद करें, लाइक करें, जरूर देखें, बेल आइकन का बटन जरूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। यहाँ मैंने इलायची का पाउडर डाल दिया है 1 टीस्पून भर के, और इलायची के पाउडर डालने से क्या इसमें खुशबू बहुत जोरदार आएगी। जैसे मैं आपको दलिये के बारे में बता रही थी, तो दलिये की और भी क्वालिटीज आपको बताती हूँ। ये अगर कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करता है, या अगर आपको वेट लॉस करना है तो उसमें भी मदद करता है। आपका जो मसल मास है, जो मसल मास गेन होता है, उसमें भी ये आपका दलिया जो है मदद करता है। क्योंकि क्या होता है, इसमें फाइबर बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, तो इसलिए मसल मास गेन होता है और वेट जो फैट है ना वो कम होता है। और ये जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। तो डायबिटीज वाले अपने खाने में दलिया जरूर इस्तेमाल करें, चाहे तो दलिया एज इट इज खाएं, दलिया की खीर बनाएं, दलिये का उपमा बनाएं, दलिये की खिचड़ी बनाएं, दलिये के कटलेट्स बनाएं। बहुत तरीके की दलिये की रेसिपीज हैं, दलिया जरूर बनाएं। और यहाँ अब मैं 2 टेबलस्पून मैंने मिश्री है ना, मिश्री को मैंने मिक्सी में पीस लिया था वो डाला है। आप चाहे तो चीनी भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो शुगर फ्री भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने मिश्री डाली है, और मिश्री जो है बहुत फायदेमंद होती है, तो खाने में जरूर इस्तेमाल करें। और ये हमारा खीर हमारी तैयार हो रही है। और अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो लास्ट में डालेंगे कैसे, ये मैं बताती हूँ कि गुड़ आप कैसे डालें। गुड़ को अलग से पानी डाल के आप उबाल लें, उसको उबाल के छान के फिर डालें। और यहाँ मैंने हमारा थोड़ा दलिया गाढ़ा हो रहा था तो वहाँ मैंने पानी डाल दिया है। तो जैसे अगर आपको लगे कि हमारा दलिया थोड़ा सा गाढ़ा हो रहा है तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उबालते रहें, पर उबालना है इसको 4 से 5 मिनट आपको। और ये देखिए फर्स्ट क्लास उबाल आ रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला आपको, अगर आप गुड़ की बनाना चाहते हैं कि ये दलिये की खीर, तो गुड़ को अलग से थोड़ा सा पानी डाल के उबाल लें, और उबालने के बाद जब उबाल आ जाए तब छान के इस दलिये में लास्ट में डालें, जब उतारने से 1-2 मिनट पहले डालें। और ये देखिए हमारी खीर तैयार हो रही है। तो ये खीर जो है बहुत ही पौष्टिक होती है, जैसे अभी मैंने बताया आपको कि इसमें कितनी सारी फायदे होते हैं खीर इसके दलिया खाने से। तो दलिये को आप अपने डाइट पे शामिल करें, पौष्टिक खाना खाएं, और इसलिए दलिये की खीर बनाएं कि रोज रोज क्या दलिया का, अगर आप दलिया खाते हैं तो रोज रोज क्या खाएं, तो ये खीर दलिये की खीर एक आपके लिए बहुत अच्छा सा ऑप्शन है। और अब मैंने यहाँ पे जो बादाम और काजू का जो दरदरा पेस्ट बना के रखा था ना, पाउडर बना के रखा था, वो डाल रही हूँ। ध्यान रहे आप धीरे धीरे डालते रहे और लगातार करछी चलाते रहे, नहीं तो क्या है ये जो पाउडर है इसके लम्स बनने के चांसेस होते हैं, गांठे बन जाती है। तो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको लगातार चलाते जाएं, और अगर फिर भी बन जाती है तो विस्कस की सहायता से आप इसको, जो मथनी टाइप की होती है ना उसकी सहायता से आप इसको हिला लें तो वो लम्स हट जाएंगे। और ये देखिए फर्स्ट क्लास। इस अब जैसे हमने पाउडर डाला है काजू और बादाम का, इसके डालने के बाद थोड़ा सा हम और पकाएंगे इसको 1 से 2 मिनट, और उसके बाद हमारी जो खीर है बनके तैयार हो जाएगी। तो क्या है, कई लोग तो क्या इसमें बारीक पीस करके भी डालते हैं, और ये देखिए हमारी खीर बनके तैयार है फर्स्ट क्लास। देखिए दिख रही है ना कितनी बढ़िया। कई लोग क्या है बारीक पीस करके भी डालते हैं इसमें, तो पीसेस भी मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं, पर अगर आप दरदरा पीस के डालते हैं ना तो इसमें आपको पता ही नहीं लगता कि इसमें खीर में आपको लगेगा कि ड्राई फ्रूट्स की खीर तो नहीं है, तो एक अलग सा ही टेस्ट आता है। और ये देखिए हमारी खीर बन के तैयार थी, तो मैंने अब इसमें बाउल में निकाल रही हूँ उसको सर्विंग करने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है, और देखिए
खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है। और इसमें जो दरदरे हमने जो काजू और बादाम का पाउडर डाला है ना, वो भी बहुत ही अलग से स्वाद देते हैं। तो अगर आप पीसेस करके अगर डालते हैं इसमें खीर में, तो एक बार इस तरह से भी डालें। और यहाँ थोड़े से बादाम और काजू की मैंने कतरने काट ली थी, छोटे छोटे पीस कर लिए थे ऊपर से डेकोरेट करने के लिए, तो इनको ऊपर से डेकोरेट कर रही हूँ। साथ में मैंने थोड़ी सी गुलाब की पत्तियों को भी मैं डेकोरेट कर रही हूँ। तो इस तरह से आप इसको ऊपर से डाल के इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, अगर किसी कोई मेहमान आ रहा है उसको सर्व कर रहे हैं तो। और देखिए कितने बढ़िया दिख रही है, और खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है, और न्यूट्रिशन वैल्यू भी इसकी बहुत है। और ये देखिए खीर दिख रही है ना आपको, कितनी बढ़िया दिख रही है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट है। एक बार जरूर बनाएं और इसको जरूर खिलाएं, और बच्चों को तो जरूर खिलाएं। सर्दियों का मौसम है, कुछ गर्म गर्म खाने का मन होता है, तो ये बच्चों को जरूर दें, उनको भी बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरह से आज की रेसिपी मैंने बताई। चलिए आपसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कल के ब्लॉग पे, तब तक के लिए शब्बक है, राम राम, अपना ध्यान रखिएगा, नमस्ते। जल्दी ही मिलती हूँ आपको अपने दूसरे वीडियो में अच्छी सी रेसिपी लेके। जब तक के लिए शब्बक है, बाय बाय, राम राम, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।